हेलो फ्रेंड्स, आज हम एवरेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एवरेज का जो टॉपिक है वो आपके, अगर मैं बात करूं तो एसएससी एंड बैंकिंग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम में प्रीमियस लीड एक क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन मेंस में आपके दो से तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन बैंकिंग में बात करें तो इससे लीड एक क्वेश्चन मेंस में आ जाता है और एक क्वेश्चन प्री में आता है। अगर एवरेज हमने 9th 10th पढ़ा, उसको एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखने हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एवरेज को हम माध्य भी बोलते हैं और मीन भी बोलते हैं, और जब हम मीन की बात करते हैं तो मीन एक क्या वैल्यू होती है, मिड वैल्यू होती है। किन्हीं भी नंबर्स की क्या होती है, मिड वैल्यू होती है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एवरेज। तो एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं? कुछ आते हैं आपके नंबर रिलेटेड, कुछ आते हैं आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड। नंबर रिलेटेड क्वेश्चन में आपके की नंबर की सीरीज में आपको एवरेज फाइंड करना है, या फिर कुछ नंबरों का एवरेज इतना दिया हुआ है तो उसका हाईएस्ट नंबर कितना होगा, लोएस्ट नंबर कितना होगा, ये आपको फाइंड करना होगा। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन रिलेटेड टू एवरेज किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कुछ नंबर रिलेटेड आते हैं, कुछ आपके स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कुछ आपके डायरेक्ट एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि 5 नंबर्स दिए हुए हैं, उन सब का सम करके डिवाइड बाय 5 कर दो, वो डायरेक्ट रिलेटेड एवरेज क्वेश्चन होते हैं। स्टेटमेंट में है क्या कि आपको पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उसमें से आपको एवरेज फाइंड करनी है। नंबर में क्या है, जैसे मैंने बताया कि सीरीज दी होगी, कॉन्टिट्यूटिव नंबर्स होंगे, वो आपके इवन भी हो सकते हैं और ओड भी हो सकते हैं। तो इन ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एवरेज में आएंगे। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब 100 नेचुरल नंबर का अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे सम पता हो 100 नेचुरल नंबर का, 100 नेचुरल नंबर का सम डिवाइड बाय 100, तभी आप एवरेज फाइंड करेंगे। अगर मैं ट्रेडिशनल वे की बात करूं, क्योंकि एवरेज का फार्मूला अगर मैं ट्रेडिशनल वे में जाऊं तो होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सर 100 नंबर का सम निकालना, उसके लिए भी एक फार्मूला चाहिए। हम ऐसा क्यों ना करें कि अगर 100 नंबर का एवरेज आपको फाइंड करना है जो कि सारे के सारे नेचुरल हो, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक जाओगे आप 100 तक, मीन्स 1 2 3 4 और 100 तक चले जाओगे आप। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा है कि जो मिड वैल्यू होती है या फिर मीन वैल्यू जो होती है वही उसकी एवरेज कहलाएगी। तो 1 2 3 4 आपका एक नंबर आएगा सर 50, ऐसे चलते चलते फिर आएगा सर 51 और ऐसे चलते चलते आप जाओगे 100 तक। सर अभी बात हो 51 से 100 तक हमने 50 डिजिट यहाँ छोड़ दी, 50 नंबर्स, और 1 से लेकर 50 तक यहाँ छोड़ दिए। दैट मीन्स जो वैल्यू इनके बीच में आएगी 50 और 51 के बीच में कितना आएगा, 50.5। तो यही आपका क्या कहलाएगा, एवरेज होगा। तो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा सीक्वेंस में होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव हुए तो, अगर कॉन्सिक्यूटिव हुए तो आपको ऐसे ही फाइंड करने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। 50 नंबर इवन लिखने की बात करूं तो 2 4 6 8 ऐसे लिखते तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 100 तक चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 से 100 तक 50 इवन होते हैं और 50 ओड नंबर होते हैं, तो इसमें आपको उनका एवरेज फाइंड करना है। मैं बात करता हूं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यहाँ पर एक नंबर 50 आएगा सर, उसके बाद 52 आएगा एंड देन लास्ट में कितना आएगा 100। तो फर्स्ट 25 इवन ये होते हैं आपके और लास्ट 25 इवन आपके ये होते हैं। दैट मीन्स इन दोनों के बिटवीन जो भी वैल्यू मिलेगी आपको, दैट मीन्स 51, वो आपका क्या कहलाएगा, एवरेज होगा। बात समझ में आई? क्योंकि सीक्वेंस में जो भी नंबर चलते हैं उनका एवरेज एक मिड वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, मिड वैल्यू जो होगी वो उसका एवरेज होगा।
ये ओड के साथ भी हो सकते हैं और इवन नंबर के साथ भी हो सकता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 9. सर 20 मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं हम. 20 मल्टीपल्स का मतलब है आप 9 से स्टार्ट करो, 9 टू जा 18, 9 3 या 27 एंड देन कहां तक 9 इनटू 20 तक. दैट मींस आपने स्टार्ट किया सर 9 18 27 एंड देन कहां तक 180 तक. सर इसके बिटवीन आपको एवरेज फाइंड करना है, वो नंबर मिलना बहुत मुश्किल है सर. क्यों? 9 से 180 तक एक बिटवीन वैल्यू फाइंड करना बहुत मुश्किल है. तो आप क्या करेंगे, 9 सब में कॉमन है, आप क्या करेंगे 1 2 3 एंड लास्ट कहां तक 20 तक, क्योंकि कितने मल्टीपल्स है आपके 20 मल्टीपल्स है. तो यहां पर देखिए कि जब ये एक 1 2 3 4 5 6 7 8 20 तक की सीरीज चल रही है तो यहां पे एक नंबर मिलेगा आपको 10, एक नंबर मिलेगा 11. तो 1 से 20 तक अगर मैं एवरेज की बात करूं तो कितना आएगा 10.5. इस 9 की मल्टीप्लाई 10.5 से कर दीजिए, दैट मींस कितना आएगा 94.5. ये आपका आंसर होगा सर. कितना क्या होगा आंसर होगा. तो इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. फाइंड द एवरेज ऑफ, इफ द एवरेज ऑफ 5 इवन कंसेक्यूटिव नंबर इज 526, 1 2 3 4 5. ये पांच नंबर है सर और सारे के सारे क्या है इवन भी है और सारे के सारे क्या है सर कंसेक्यूटिव भी है, इवन भी है कंसेक्यूटिव भी है. दैट मींस दो नंबर इधर छोड़ दिए, दो नंबर इधर छोड़ दिए, दैट मींस ये जो मिड वैल्यू होगी यही आपका एवरेज होगा. मैंने बताया था ना अभी कि मिड वैल्यू जो होगी वही एवरेज होगा. तो पांच है, दो इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, दैट मींस जो भी आपको एवरेज दी हुई है 526 ये क्या है यहां पर वैल्यू आएगी, मींस मिड में वैल्यू आएगी. इसका मतलब जस्ट इसके नियर जो वैल्यू होगी 528 होगी और जस्ट इसके नियर जो वैल्यू होगी इवन 530 होगी. जो इससे पहले होगी 524 होगी और जो इससे ही पहले होगी वो 522 होगी. सो हाईएस्ट कितना हुआ आपका 530, हाईएस्ट कितना हुआ 530. तो ये आपका आंसर होगा. लोवेस्ट की बात करें 522 आपका लोवेस्ट नंबर होगा. अगर मैं बात करूं हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कितना होगा तो 530 माइनस 522 दैट मींस कितना होगा 8. तो सिमिलरली इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप एक सीरीज बना के करेंगे जिसमें आप नंबर से रिलेटेड ही एवरेज फाइंड कर सकेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या होगा. इफ द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 550. सर अगर मैं ट्रेडिशनल वे की बात करूं तो लेट द फर्स्ट नंबर विल बी एक्स, सेकेंड नंबर एक्स प्लस 2 दैट मीन्स एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 एंड एक्स प्लस 8. इन सब का सम करेंगे, इन सब का सम करेंगे तो कितना दिया हुआ है वो 550. यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे सर, वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा. सबसे इजी मेथड क्या है सर, कोई भी पांच नंबर है, ये पांच नंबर हो गए आपके, उनका सम आपको दिया हुआ है 550. कितना दिया हुआ है 550. हमें जो क्वेश्चन में फाइंड करना है वो फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर. हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर का मतलब है कि पांचों के पांचों आपके इवन हैं और सारे कंसेक्यूटिव हैं. तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ सर 2 4 6 8 10. जो इसका डिफरेंस आएगा 8, वही आपका जो भी बड़े बड़े नंबर होंगे, मान लो 344 346 348 350 एंड 352, सब जो ये डिफरेंस आएगा वो भी आपका 8 ही आएगा. तो हम क्या कह सकते हैं कि इवन नंबर्स के बारे में कभी भी ये कोई भी सीरीज के बारे में बात की जाए कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए. कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दिया हो, अगर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट पूछा है तो हमेशा आप सेल्फ एक सीरीज बना लीजिए छोटे छोटे नंबर्स की, देन उन नंबर का जो डिफरेंस होगा वही उस बड़ी सीरीज का भी होगा.
सो इसका आंसर कितना आएगा आपका 8। ये क्वेश्चंस थे आपके एवरेज से रिलेटेड। सो थैंक यू क्लास।